हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो IOCL का जो रिक्रूटमेंट है फाइनली आ गया है, लेकिन इस बार जो है गेट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, पोजीशन आपका क्या है? ऑफिसर और इंजीनियर, ये पोस्ट है आपका। तो जो वैकेंसीज है इस बार डिक्लेयर नहीं किए हैं उन्होंने, और फाइनल ईयर कैंडिडेट को एलिजिबल है। तो ठीक है, तो ये बड़ी बात है। और जो गेट एग्जाम आपका है वो सिर्फ और सिर्फ 2022 का स्कोर ही वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन ब्रांचेस एलिजिबल है? सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड IT, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो डिटेल में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 65% जो है वो एग्रीगेट चाहिए BBTech में। ठीक है, अगर आप ओपन EWS OBC से हो, 55% आपका चाहिए अगर आप SST PWD से हो। पोस्टें आपका किधर भी हो सकता है, कौन सा भी लोकेशन आपको मिल सकता है जिधर जिधर IOCL के ऑफिसेस है। प्रोसेस जो है आपका क्या रहेगा? फर्स्ट आपका गेट स्कोर लेंगे, ठीक है, उसके बाद GDGT है, और उसके बाद PI होने वाला है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है, इसके बेसिस पे क्या रहेगा आपका? मेरिट लिस्ट रहेगा, ठीक है, इसके बाद फिर DV आपका मेडिकल, वो तो होने वाला है, और फिर जो है फाइनल आपका होगा वाला है सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड है आपका। तो बॉन्ड कितना है? 3 साल का बॉन्ड है। ठीक है, अगर मतलब क्या, 3 साल तक आप IOCL छोड़ के नहीं सकते। अगर आपको छोड़ के जाना है तो जो जनरल के हैं उनको भरने पड़ेंगे 3 लाख रुपये, ठीक है, जो बॉन्ड अमाउंट है। और फिर बाकी के जो कैटेगरीज है OBC SST PWD आपको भरने पड़ेंगे 50,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको छोड़ के जाना है विद इन 3 ईयर्स, बाद 3 ईयर्स होने के बाद आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन विद इन नहीं जा सकते। ठीक है, और जाना है तो पे करना पड़ेगा। वैकेंसीज के बारे में डिक्लेरेशन नहीं है, कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन गुड नंबर हो सकता है, क्योंकि मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट नहीं था, तो इस साल आई होप कि अच्छे नंबर्स है, तो इसलिए सबको ही अप्लाई करना है। और इसका जो मेन रीज़न है बाद में आपको बताऊंगा मैं क्यों सबको अप्लाई करना है। एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2022 है। ठीक है, एज लिमिट क्या है? 26 जनरल EWS के लिए, OBC 29, SST 31, PWD 36 जनरल, OBC 39, SST 41। फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 26 अप्रैल को, और खत्म होने वाला है 22 मई को। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म देने वाला हूँ। कुछ भी छोटा सा भी डाउट है नीचे कमेंट करो, आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि इसका मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो नहीं बनाने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो इसके नीचे कमेंट करो, डेफिनेटली कुछ भी डाउट है मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, और फिर फॉर्म भरो, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है। IOCL का DV जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, याद रखना है आपको। GDGT और PI का जो टेंटेटिव एग्जाम मंथ है वो आपका जुलाई रहने वाला है। ठीक है, तो जस्ट मतलब आपको 2 महीने तो आराम से मिलने वाला है प्रिपेयर करने के लिए, तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए अभी आपका क्विक वीडियो, गाइड वीडियो आने वाला है, तो उसका वेट करना है, वो सुबह आएगा। फीस आपका कोई भी नहीं है, 0 फी है, और ये फॉर्म फ्री है सभी कैटेगरीज के लिए। तो यही मेन रीज़न है कि फॉर्म का फ़ी भी नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ भी आपका रैंक हो भर दो। ठीक है, भले आपको अगर कॉल आता है GDGT और PI का, तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और ये एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली बाद में काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं BBTech और जो गेट कोड है उसका कोरिलेशन कैसे है। तो जो केमिकल वाले हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग ये ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस, तो आपका जो पेपर कोड है CH होना चाहिए गेट का। सिविल वाले हैं, आपका पेपर कोड जो है वो CE होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इसमें IT इंक्लूड है, आपका पेपर कोड जो है CS होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में EEE एलिजिबल है, ठीक है, और EEE और इलेक्ट्रिकल का जो पेपर कोड है वो EE होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी ENI एंड INC एलिजिबल है, तो इसका जो पेपर कोड है आपका IN होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो ECE पीपल है आपके लिए इस बार वैकेंसी नहीं है IOCL का, तो ये मतलब ऑब्वियसली दुख की बात है, लेकिन फिर भी यही रियलिटी है। मैकेनिकल के लिए भी डेफिनेटली आपका पेपर कोड ME है, मेटलर्जी के लिए भी आपका पेपर कोड MT होने वाला है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है अच्छे से। तो जिन्होंने भी गेट का एग्जाम जो है 2 पेपर में दिया होगा, ठीक है, तो आपको आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग ही भरना है। सपोज आप इलेक्ट्रिकल से हो, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दिया है, तो आपको इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका BBTech किस में है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। तो यही था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए IOCL की तरफ से। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर क्विक गाइड वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप जो है कंपलसरी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इस वीडियो के रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड। अगर किसी भी एग्जाम के बारे में आपको मुझे कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अपने एप्लीकेशन पे मैं हूँ ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करो, अच्छे से फॉर्म फिल करो। ऑल द बेस्ट।